हे माता दी, मेरा नाम ज्वाला मयूर सिंह है। मैं गुजरात से हूँ और मैं एक भूतपूर्व सैनिक भी हूँ और गुजरात करनी सेना का एक सदस्य भी हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आजकल जो फिल्म पद्मावती को लेकर जो चर्चाएं चली जा रही है, उसमें अपने संविधान के पार्ट 3 के सेक्शन 19 का मिसयूज करते हुए कुछ नाचने गाने वाले लोग जो भी मन में आए वो बोले जा रहे हैं। इसको इतिहास का कुछ भी पता नहीं, वो हमारे इतिहास के बारे में जो भी बोले जा रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ संजय लीला भंसाली को, जिसने कि ये मूवी बनाई है। बेटा, तुझे अपने इतिहास का तो पता नहीं है, तुझे ये तो पता नहीं है कि तेरा बाप है कौन, और तू हमारी माँ के बारे में बात कर रहा है। मैं आज तुझे दोनों के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगा तेरे बाप के बारे में। तो तेरे तीन चार बाप है, उसमें सबसे जो तेरा सही बाप है, अगर DNA टेस्ट करा जाए तो उसमें पता चल सकता है कि तेरा बाप कौन है। तो मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तेरा बाप जो है वो हमारे गुजरात के भुज के एक राजा थे, जो कि जडेजा थे। तू उसकी औलाद है। उसके बाप बाद में तेरी माँ के पता नहीं और नाजायज कितने संबंध कितने लोगों के साथ, जो तुझे भी पता नहीं और शायद हमें भी पता नहीं और देश को भी पता नहीं है। मैं इन लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि ये एक नाजायज औलाद है। और अभी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी सती माँ पद्मावती के बारे में। तो वो एक महान सती थी, राजा रतन सिंह की धर्मपत्नी थी, और उसने अपने पवित्रता और अपने चारित्र की रक्षा करने के लिए जौहर किया था। जौहर का मतलब ये है कि एक बड़ा सा कुंड होता है, उसमें आग जलाई जाती है और उस आग में अपने आप को समर्पित किया जाता है। तो वो थी हमारी महान सती पद्मावती, और ये थी तुम्हारी माँ, जिसको तुझे खुद ये भी पता नहीं कि तेरा बाप कौन है। अब मैं बताना चाहता हूँ शेखर सुमन को, क्योंकि मैंने उसके बारे में भी सुना था कि वो ये बता रहा था कि ये जो फिल्म है वो एक एंटरटेनमेंट का साधन है और कुछ अनपढ़ कुछ गुंडे इसका विरोध कर रहे हैं। तो मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि हम कोई अनपढ़ और कोई गुंडे और आवारा नहीं है, और ये फिल्म है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। इस फिल्म के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और इस फिल्म बनाने के लिए संजय लीला भंसाली जैसे कुछ गद्दारों को बाहर की कंट्री से, मुस्लिम कंट्री से फंडिंग आता है, और ऐसे हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने झगड़ने की कोशिश की जा रही है, और ये कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं। लेकिन तुझे तो सिर्फ एंटरटेनमेंट का ही पता है, क्योंकि मेरी नज़र में तो सिर्फ एक जोकर है। अब जोकर को क्या पता है इतिहास के बारे में? तो बेटा, तू जोकर है तो जोकर का काम कर और अपनी अपना एंटरटेनमेंट कर। तू इतिहास के चक्कर में मत पड़, वरना आइंदा एक बार तुझे माफ़ कर दिया, अभी दोबारा तुझे माफ़ नहीं करेंगे। अब और मैं बताना चाहता हूँ करण जौहर के बारे में। उसने भी कहा था कि ये फिल्म है और लोगों को पता नहीं है और इसका विरोध किया जा रहा है, फिल्म अपना अपने प्रमोशन के लिए और कुछ भी बनाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे। तो मैं बेटा तुझे ये बताना चाहता हूँ, तुझे देख के तो मुझे ये भी पता नहीं चल रहा कि तू आदमी है या औरत है। अब तू आदमी है या औरत है ये हमें पता नहीं, तुझे पता नहीं। अब तुझे क्या पता कि महाराजा रतन सिंह कौन थे, उनके पराक्रम के बारे में क्या पता, उनके शौर्य के बारे में क्या पता, तुझे क्या पता कि रानी पद्मावती कौन थी, उसके सतीत्व के बारे में थी उनके पास। तू तो एक जोकर है और तू एक, मेरी नज़र में तो तू एक गे है। मैं तो ये मानता हूँ कि तू एक गे है। तो बस मैं तुझे और कुछ नहीं बताना चाहता, मैं ये बोल के तुझे माफ़ कर रहा हूँ। अब मैं बात करना चाहता हूँ राखी सावंत से। आज मैंने उसका भी वीडियो देखा। राखी सावंत अपने वीडियो में ये बता रही है कि कुछ राजपूत जो ये बोल रहे हैं कि इस देश के लिए हमने अपना खून बहाया है, अपना गला काटा है, इस देश के लिए अपना गला कटवाया, हमने इस देश की रक्षा की है, और हम लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं मतलब फिल्म के विरोध के बारे में। तो हम सिर्फ फिल्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपने इतिहास बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब तू जो ये सती पद्मावती के बारे में बोल रही है कि पिक्चर रिलीज होके रहेगी और मैं देखता हूँ कि किसके बाप में दम है, तो बेटा बाप की जरूरत नहीं, हम बेटे ही राजपूत के बेटे ही तेरे को ये दिखा देंगे कि हम कौन है, और ये फिल्म को हम रोक के रखेंगे। और मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ, मैं तेरी औकात याद दिलाना चाहता हूँ, तू जो ये सती पद्मावती के बारे में बोल रही है, अब तुझे क्या पता सतीत्व क्या होता है? तू तो वो है, तेरे तू तो शक्ल से एक बंदरिया लगती है और तू एक नाचने गाने वाली है, और तेरे को रास्ते चलते कोई भी चुमिया करके चला जाता है, कोई भी तेरे को किस करके चला जाता है। तू छोटे छोटे कपड़े पहन के अपना बदन दिखा के अपना अपना भरण पोषण कर रही है, अपना गुजरान चला रही है। अब तुझे क्या पता कि सतीत्व कौन थे? अब मैं बताना चाहता हूँ दाऊद इब्राहिम कास्कर को, जो कि अपने आप को इंडिया का डॉन समझता है। वो बोल रहा है कि जो करनी सेना के जो हमारे कालवी साहब है उनको मैं बम से उड़ा दूंगा, उनको छोड़ूंगा नहीं, और जो 93 में जो ब्लास्ट हुआ था मैं इंडिया को ब्लास्ट की याद दिला दूंगा। तो तू एक पाकिस्तान जैसे बिल में छुपा हुआ है, मेरी नज़र में तो तू एक चूहा है। चूहा, अगर तेरे में दम है तो बिल से बाहर निकल चूहे और तू सामने मैदान में आ। मैं तुझे ओपन चैलेंज करता हूँ कि तू आ मैदान में आ और लड़के दिखा हम लोगों से। बेटा वो लोग कुछ और थे जो जिन लोगों ने जो पॉलिटिक्स के चक्कर में तेरे को छोड़ दिया, लेकिन अब नहीं सहेंगे, अब हम राजपूत एक होकर रहेंगे। और अगर ये फिल्म बंद नहीं हुई तो हम सारे राजपूत इकट्ठे होकर इस फिल्म का विरोध करेंगे। हम लोग आ रहे हैं 1 तारीख को, तुम लोग तैयार रहना, और हम दिखाएंगे कि राजपूत क्या थे। जय